जीवन लक्ष्य का निर्धारण। जीवन यापन और जीवन लक्ष्य दो भिन्न बातें हैं। प्रायः सामान्य लोगों का जीवन लक्ष्य जीवन यापन ही रहता है। खाना, कमाना, ब्याह, शादी, लेन देन, व्यवहार, व्यापार आदि साधारण कर्मों को पूरा करते हुए मृत्यु तक पहुंच जाना, बस इसके अतिरिक्त उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता। एक जीविका का साधन जुटा लेना, एक परिवार बसा लेना और बच्चों का पालन पोषण करते हुए शादी ब्याह आदि कर देना मात्र ही साधारण दया लोगों ने जीवन लक्ष्य मान लिया है। एक प्रेरणादायक कहानी से इस चीज को समझते हैं। मीठे फल खाने की इच्छा से दो मित्र एक बगीचे में गए। माली ने कहा, इस बगीचे के मालिक की आज्ञा अनुसार यहाँ एक ही दिन ठहर सकते हो, सो शाम तक जितने फल खा सकते हो खा लो। दोनों अपनी रुचि के फल खाने चल दिए। एक ने पेट भरकर फल खा लिए, दूसरा देखता रहा। पौधे के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, पानी कैसे लगाया जाए। शाम तक उसने एक नया बगीचा लगाने की सारी बातें जान ली। फल एक भी नहीं खाया, घर जाकर दूसरा बाग लगा लिया। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। मनुष्य यहाँ एक निश्चित अवधि के लिए आता है। जो संसारिक आकर्षणों में परे हैं, वे तो पहले युवक की भांति समझदार वे हैं जो दूसरों की तरह परिस्थितियां का अध्ययन कर जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वस्तुतः यह जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया मात्र है, जीवन लक्ष्य नहीं है। जीवन लक्ष्य उस सुनिश्चित विचार को ही कहा जाएगा जो संसार के साधारण कार्यक्रम से कुछ अलग, कुछ ऊंचा हो और जिसे पूरा करने में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़े। जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य, कुछ विशेष ध्येय धारणा करके चलने वाले को असाधारण व्यक्तियों की कोटि में रखा जाता है। उनकी विशेषता तथा महानता केवल यही होती है कि परंपरा से हटकर साधारण जीवन के अभ्यस्त व्यक्तियों में से उन्होंने आगे बढ़कर कुछ असमानता ग्रहण की है। लोग उनको महान इसलिए मान लेते हैं कि सामान्य लोग समझी बुझी तथा एक ही लीक पर चली जा रही जीवन गाड़ी में ना जाने कितनी दुख तकलीफें अनुभव करते हैं। तब उस व्यक्ति ने एक अन्य अनजान एवं असामान्य मार्ग चुना है। उसका साहस एवं कष्ट सहिष्णुता कुछ अधिक बड़ी चढ़ी है। जीवन यापन की साधारण प्रक्रिया को भी यदि एक असामान्य दृष्टिकोण से लेकर चला जाए तो वह भी एक प्रकार का जीवन लक्ष्य बन जाता है। इस साधारण प्रक्रिया को असाधारण तत्व केवल यही हो सकता है कि जीवन इस प्रकार से बिताया जाए जिसमें मनुष्य पतन के गर्त में न गिरकर एक आदर्श जीवन बिताता हुआ उसकी परिसमाप्ति तक पहुंच जाए, जिसमें जीवन को आहों, आंसुओं तथा विषादों से मुक्त करके हास, उल्लास, हर्ष, विनोद तथा उत्साह के साथ बिता लिया है। इसमें भी मानो सफल जीवन यापन का एक लक्ष्य ही प्राप्त कर लिया है। जिसने संतोषपूर्वक हंसते हुए जीवन परिधि के बाहर पैर रखा है, उसका जीवन सफल ही माना जाएगा। इसके विपरीत जिसने जीवन परिधि को रोते, विलखते, तड़पते और तरसते हुए पार किया है, मानो उसका जीवन असफल ही हुआ। जीवन की सुंदरता, पारी वैभव, ऊंची कोठी, सजे कमरे, सुंदर वस्त्र, परिपूर्ण तिजोरियां और रंग बिरंग रंग रूप से भरी रंगरेलियां में नहीं, मनुष्य के आंतरिक संसार में हुआ करती है। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव जितने ही सात्विक और सुरुचिपूर्ण होंगे, उसका जीवन उतना ही प्रसन्न, उतना ही सुंदर होगा। जो अविचारी, व्यविचारी तथा अवगुणी है, वो कितना ही धनवान, शान शौकत वाला, सुंदर शरीर और रहन सहन वाला क्यों न हो, सुंदर जीवन की परिधि में नहीं आ सकता। इसके विपरीत जो सामान्य स्थिति का है, गरीब है, सुंदर शरीर वाला भी नहीं है, परंतु शिष्ट, सभ्य, सुशील, संतुष्ट और शांत है,
वह अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। जीवन की सफलता का प्रमाण यहाँ किसी से कार्य और कर्तृत्व से दिया जाता है, वहाँ उसकी अंतिम श्वास में सन्निहित शांति एवं संतोष की मात्रा भी इसका एक सुंदर प्रमाण है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाओ। मन में यह पक्का विश्वास लेकर चलो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। युवा उम्र में इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ ना जाने दो। अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ो। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो। बस फिर यह ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल पानी है। समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता। किसी भी कार्य को सफलता के लिए लगन, निष्ठा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आवश्यक है। जब मनुष्य की सारी शक्तियाँ विचारों की, समय की, शरीर की, साधन की एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती है तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। अपनी शक्ति को पहचाने, अपने लक्ष्य को चुनौती के स्वीकार करें, संकल्प करें, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। दृढ़ संकल्प के आगे कोई विघ्न बाधा, कठिनाई टिक नहीं सकती। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदा जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो, कभी हिम्मत ना हारो। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित प्रदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया हो, जो भी जीवन उद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी जान से योजना पूर्वक जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में और आगे का रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम, घोर परिश्रम आदत में होना चाहिए। मत सोचिए कि अधिक काम करने से आप थक जाएंगे। वास्तव में परिश्रम एक स्वचालित शक्ति है, अपनी बढ़ती हुई गति के साथ कार्यक्षमता उत्पन्न करती कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, परिश्रमी और अपने कार्य में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनोमा है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है। स्मरण रखिए कि आपको कोई भी मनोरथ, उद्देश्य क्यों ना हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बंगले झांकने से कुछ नहीं होगा। दूसरे पर भरोसा किया तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने पांवों पर खड़े होइए। अपने कार्य में सच्ची लगन और दिलचस्पी पैदा कीजिए एवं मशीन की तरह जीतोड़ परिश्रम के साथ काम में जुट जाइए। अधीर मत होइए, शक्ति आपके साहस की बार बार परीक्षा लेगी, बार बार असफलता और निराशा की अग्नि में तपाएगी तथा असली और नकली की जांच करेगी। यदि आप कष्ट, कठिनाई, असफलता, निराशा, विलंब आदि की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तो वह प्रसन्न होकर प्रकट